गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, इडुसाला में आपका स्वागत है। ये लूसेंट की सीरीज चल रही है जिसमें एंशियंट का पार्ट वन पहले ही अपलोड किया जा चुका है, ये पार्ट टू है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैन धर्म। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे, जो काशी के च्वांकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इन्होंने 23 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकारा। इनके द्वारा दी गई शिक्षा थी हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना तथा संपत्ति न रखना। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर हुए हैं। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंड ग्राम, जो वैशाली में है, हुआ। इनके पिता सिद्धार्थ गैत्रिक कुल के सरदार थे और माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा एवं पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी था। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के बाद अपने बड़े भाई नंदीवर्मन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा था। 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर कुज्रिम्बिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। इसी समय से महावीर जीन, जिसका मतलब होता विजेता, अहर्त, पूज्य और निर्ग्रंथ, बंधनहीन कहलाए। महावीर ने अपना उपदेश प्राकृत अर्थ मागधी भाषा में दिया। महावीर के अनुयायियों को मूलतः निग्रंथ कहा जाता था। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद जामिल बने। इन्हें जमाली के नाम से भी जाना जाता है। प्रथम जैन भिक्षुणी नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गंधर्वों में विभाजित किया था। आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा और जो जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक हुआ। स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान चंदना थी। प्रमुख जैन तीर्थकर और उनके प्रतीक चिन्ह। जैन तीर्थकर के नाम क्रम से प्रतीक चिन्ह और जैन तीर्थकर के नाम प्रतीक चिन्ह एवं क्रम, ठीक है। ऋषभ देव जो प्रथम थे, इनका प्रतीक चिन्ह सार था। अजितनाथ जो द्वितीय क्रम में थे, इनका प्रतीक चिन्ह हाथी था। संभव तृतीय, जिनका प्रतीक चिन्ह घोड़ा। संपार्श सप्तम जैन तीर्थकर थे, इनका प्रतीक चिन्ह स्वास्तिक था। शांति 16वें तीर्थकर थे, इनका प्रतीक चिन्ह हिरण था। अरनाथ 18वें थे, इनका प्रतीक चिन्ह मीन था। नामी 21वें थे, इनका प्रतीक चिन्ह नील कमल था। अरिष्टि नेमी 22वें थे, इनका प्रतीक चिन्ह शंख था। पाशर्व 23वें थे, इनका प्रतीक चिन्ह सर्प था। महावीर 24वें थे, इनका प्रतीक चिन्ह सिंह था। नोट, दो जैन तीर्थकरों ऋषभदेव एवं अरिष्टि नेमू के नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अरिष्टि नेमू को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है। लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए, किंतु कुछ अनुयायी स्थूलभद्र के साथ मगध में ही रुक गए। भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के साधुओं से उनका गहरा मतभेद हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप जैन मत श्वेतांबर एवं दिगंबर नामक दो संप्रदायों में बट गया। स्थूल भद्र के शिष्य श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करने वाले एवं भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर जो नग्न रहने वाले कहलाए। जैन संगीतिया, वर्ष, स्थल और अध्यक्ष। प्रथम जैन संगीति 300 ईसा पूर्व में हुई। ये कहाँ? पाटलिपुत्र में हुआ था। इसके अध्यक्ष स्थूल भद्र थे। द्वितीय संगीति 6वीं शताब्दी में हुई। ये वल्लभी गुजरात में हुआ। इसके अध्यक्ष क्षमा स्वरण थे। जैन धर्म के त्रिरत्न हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। त्रिरत्न के अनुशीलन में निम्न 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य है: अहिंसा, सत्य वचन, अस्तेय, परिग्रह एवं ब्रह्मचर्य। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम स्यादवाद एवं अनिकांतवाद है। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया। जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा थे: उदयन, वंदराजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष, चंदेल शासक। मैसूर के गंग वंश के मंत्री चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक के स्वर्ण श्रवण बेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में विशाल बाहुबली की मूर्ति, जो गुमतेश्वर की मूर्ति के नाम से भी जानी जाती है, क्या निर्माण किया गया। गुमतेश्वर की प्रतिमा कायोत्सर्ग मुद्रा में है। यह मूर्ति 18 मीटर ऊंची है एवं एक ही चट्टान को काट कर बनाई गई है। खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया। मध्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। जैन तीर्थकरों को जीवनी
की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्प सूत्र में है। 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु निर्वाण 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी राजगीर में हो गई। मल राजा सृष्टिपाल के राज प्रसाद में महावीर स्वामी का निर्वाण। चलिए पढ़ते हैं बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक घटना और प्रतीक। जन्म जन्म का प्रतीक है कमल एवं सांड। गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा। ज्ञान का प्रतीक है पीपल, जिसे बोधि वृक्ष भी कहते हैं। घटना और प्रतीक निर्वाण जो पदचिन्ह इसका प्रतीक है। मृत्यु स्तूप इसका प्रतीक है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता सुधोधन शाक्य गण के मुखिया थे। इनकी माता माया देवी की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी। इनका लालन पालन सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ। इनके पुत्र का नाम राहुल था। सिद्धार्थ जब कपिल वस्तु की सैर पर निकले थे तो इन्होंने निम्न 4 दृश्यों को क्रमशः देखा। बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, 100 एवं एक सन्यासी। संसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया। गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ बुद्ध ने वैशाली के अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। अलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु थे। अलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्र क्रामपुत से शिक्षा ली। उरुवेला में सिद्धार्थ को कौनिड वपा भादिया महानामा एवं असागी नामक 5 साधक मिले। बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना नदी, जिसे फल्गु नदी भी कहते हैं, के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए। वह स्थान बोधगया कहलाया। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ ऋषि पत्नम में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है। धर्मचक्र प्रवर्तन इसे कहते हैं। बुद्ध ने अपने उपदेश जन साधारण की भाषा पाली में दिए। बुद्ध ने अपने उपदेश कोसल, वैशाली, कौसाम्बी व अन्य राज्यों में दिए। सर्वाधिक उपदेश कोसल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। इनके प्रमुख अनुयायी शासक थे बिंबिसार, प्रसेनजीत व उदयन। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा, जो देवरिया यूपी में स्थित है, में चुंद नामक द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गई, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। मलों ने अत्यंत सम्मानपूर्वक बुद्ध का अत्येष्टि संस्कार किया। एक अनुश्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया। बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है। बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान त्रिपिटक, विनय पिटक, सूत्र पिटक व अभिधम पिटक से प्राप्त होता है। तीनों पिटकों की भाषा पाली है। थेरवाद मत की पाली त्रिपिटक सबसे पुराना है। सूत्र पिटक में बुद्ध के धार्मिक सिद्धांतों को संवाद के रूप में संकलित किया गया है। विनय पिटक में संघ के भिक्षु एवं भिक्षुणी के लिए बनाए गए नियमों का संग्रह किया गया है। इसमें संघ के अनुशासन के तोड़ने पर किए जाने वाले प्रायश्चितों की सूची भी दी गई है। अभिधम पिटक में सूत्र पिटक में वर्णित सिद्धांतों के सुव्यवस्थित अनुशीलन के लिए आवश्यक सूचियों के सारांश एवं प्रश्नोत्तरी का समावेशन किया गया है। नोट: पाली त्रिपिटकों को 1 शताब्दी ईसा पूर्व में श्रीलंका के शासक उत्तगामनी की देखरेख में पहली बार लिपिबद्ध किया गया। सूत्र पिटक के 5 निकाय हैं: दीघ, मझिम, संयुक्त, अंगुत्तर, खुद्दक। बुद्ध के पूर्व जन्मों से जुड़ी जातक कथाएं खुद्दक निकाय के 15 पुस्तकों में से एक हैं। खुद्दक निकाय में धम्मपद नैतिक उपदेशों का पदात्मक संकलन, थेर गाथा बौद्ध भिक्षुओं का गीत और थेरी गाथा बौद्ध भिक्षुणियों की गीत है। बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी है। इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है। बौद्ध धर्म में पूर्ण जन्म की मान्यता है। तृष्णा को सीन हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध ने निर्वाण कहा है। विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषद से लिया। बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित थे, भिक्षुक और उपासक। भिक्षुक वो थे जो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया, उन्हें भिक्षुक कहा गया। उपासक जो गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वालों को उपासक कहा गया। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 15 वर्ष थी। बौद्ध संघ में प्रविष्टि होने को उपसंपदा कहा जाता था। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं बुद्ध, धम्म, संघ।
बौद्ध सभा है। सभा, समय, स्थान, अध्यक्ष, शासनकाल। प्रथम बौद्ध सभा, प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में हुई थी, राजगृह में हुई थी और महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे। इस समय अजातशत्रु शासक था। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में हुई थी, वैशाली में हुई थी और सभा कामी इसके अध्यक्ष थे। कालाशोक के शासन के समय हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीति 255 ईसा पूर्व थी, हुई थी पाटलिपुत्र में। मोगली तिस्पुत इसके अध्यक्ष थे, अशोक के शासनकाल में हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगीति ईस्वी की प्रथम शताब्दी में हुई थी, ये कुंडलवन स्थान में हुआ था और इसके अध्यक्ष वसुमित्र या अश्वघोष थे और ये कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया, हीनयान एवं महायान। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श बोधिसत्व है। बोधिसत्व दूसरे के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए अपने निर्वाण में विलंब करते हैं। हीनयान का आदर्श अर्हत पद को प्राप्त करना है। जो व्यक्ति अपनी साधना से निर्वाण की प्राप्ति करते हैं उन्हें अर्हत कहा जाता है। धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा प्रारंभ किया गया। बौद्धों का सबसे पवित्र त्यौहार वैशाख पूर्णिमा है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इसका महत्व इसलिए है कि बुद्ध पूर्णिमा के ही दिन बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति और महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। ये तीनों हुआ था। बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में चार आर्य सत्यों को उपदेश दिया। ये हैं दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। इन सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही। ये साधन है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्गों के पालन करने के उपरांत मनुष्य की भव तृष्णा नष्ट हो जाती है और उसे निर्वाण प्राप्त हो जाता है। निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए निम्न 10 शीलों पर बल दिया। अहिंसा, सत्य, असत्य, चोरी न करना, अपरिग्रह, किसी प्रकार की संपत्ति न रखना, मध्य सेवन न करना, असमय भोजन न करना, सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना, धन संचय न करना, स्त्रियों से दूर रहना और नित्य गान से आदि से दूर रहना। गृहस्थों के लिए केवल 5 प्रथम 5 शील तथा भिक्षुओं के लिए 10वां शील मानना अनिवार्य था। बुद्ध ने मध्यम मार्ग, मध्यम प्रतिपद का उपदेश दिया। निश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता है। जातक कथाएं प्रदर्शित करती हैं कि बोधिसत्व का अवतार मनुष्य रूप में भी हो सकता है तथा पशुओं के रूप में भी। बोधिसत्व के रूप में पुनर्जन्मों की दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत बुद्ध ने शाक्य मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया, किंतु इसके उपरांत मैत्रेय तथा अन्य अनाम बुद्ध सभी अभी अवतरित होने शेष हैं। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गंधार शैली के अंतर्गत किया गया, लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति संभवतः मथुरा कला के अंतर्गत बनी थी। तिब्बत, भूटान एवं पड़ोसी देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार पद्म संभव गुरु रिनपाच ने किया। इसका संबंध बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा से था। इनकी 123 फुट ऊंची मूर्ति हिमाचल प्रदेश रेवासर झील में है। नोट, भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति संभवतः बुद्ध की थी। भारत के महत्वपूर्ण बौद्ध मठ एवं उसके स्थान। मठ स्थान राज्य केंद्र शासित प्रदेश टावी मठ तबोगांव स्पीति घाटी हिमाचल प्रदेश में है। नामग्याल मठ धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में है। हेमिस मठ लद्दाख जम्मू कश्मीर में है। थिक्से मठ लद्दाख जम्मू कश्मीर में है। सासुर मठ लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश में है। भिंडालिंग मठ देहरादून उत्तराखंड में है। रूमटेक मठ गंगटोक सिक्किम में है। तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश में है। नाम डार्लिंग मठ मैसूर कर्नाटक में है। बोधिमंडा मठ बोधगया बिहार में है। शैव धर्म, भगवान शिव की पूजा करने वाले को शैव एवं शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा गया है। शिवलिंग उपासना का प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों से मिलता है। ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख है। अथर्ववेद में शिव को भव, सर्व, पशुपति एवं भूपति कहा गया है। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है। महाभारत के अनुशासन पर्व से भी लिंग पूजा का वर्णन मिलता है। रुद्र के पत्नी के रूप में पार्वती का नाम तैत्रीय आर्णेक में मिलता है। शिव की पत्नी की सौम्य रूप है पद्मा, पार्वती, उमा, गौरी एवं भैरवी। वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है। ये हैं पाशुपत, कपालिक, कालामुख और लिंगायत। पाशुपत संप्रदाय
शैवों का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है। इसके संस्थापक लकुलिश थे, जिन्हें भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना जाता है। वासुपत संप्रदाय के अनुयायियों को पंचार्थिक कहा गया है। इस मत का प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ वासुपत सूत्र है। श्रीकर पंडित एक विख्यात वासुपत आचार्य थे। संप्रदाय और संस्थापक। आजीव संप्रदाय के संस्थापक मखली पुत्र गोसाल थे। घोर अक्रियावादी के संप्रदाय के संस्थापक पूरन कश्यप थे। यदृच्छावाद के संस्थापक आचार्य अजीत थे। भौतिकवादी के संस्थापक पकुत कच्चायन थे। भौतिक दर्शन। कपालिक संप्रदाय के इष्ट देव भैरव थे। इस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र श्री शैल नामक स्थान था। कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को शिव पुराण में महाव्रत धर कहा गया है। इस संप्रदाय के लोग नर कपाल में ही भोजन जल तथा सुरापान करते हैं और साथ ही अपने शरीर पर चीता की भस्म मलते हैं। लिंगायत संप्रदाय दक्षिण में प्रचलित था। इन्हें जंगम भी कहा जाता था। इस संप्रदाय के लोग शिवलिंग की उपासना करते थे। शून्य संपाद ने लिंगायतों का मुख्य धार्मिक ग्रंथ है। बसव पुराण में लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक अलभ प्रभु तथा उनके शिष्य बासव को बताया गया है। इस संप्रदाय को वीर शिव संप्रदाय भी कहा जाता है। नोट, बासव व उनका भतीजा चन्ना बासव कर्नाटक के कलचूरी राजाओं के दरबार में रहते थे। जैनों के साथ कठिन संघर्ष के उपरांत उन्होंने अपने मत की स्थापना की थी। उन्होंने जाति प्रथा का कड़ा विरोध किया और उपवास प्रीतिभोज एवं तीर्थयात्रा एवं बलि प्रथा को अस्वीकार किया। बाल विवाह का विरोध किया और विधवा विवाह की अनुमति दी। 10वीं शताब्दी में मत्स्येन्द्रनाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की। इस संप्रदाय का व्यापक प्रचार प्रसार बाबा गोरखनाथ के समय में हुआ। गोरखनाथ ने वर्ण व्यवस्था तथा ब्राह्मणों के विशेषाधिकारों की आलोचना की। उनके द्वारा प्रतिपादन सिद्धांत को तंत्र कहा जाता है। इसकी सदस्यता बिना जाति भेद सबके लिए खुली थी। दक्षिण भारत में शैव धर्म चालुक्य राजकूट पल्लव एवं चोलों के समय लोकप्रिय रहा। पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार नायनारों द्वारा किया गया। नायनार संतों की संख्या 63 बताई गई है, जिनमें अपार तिरुज्ञान संबंधर एवं सुंदर मूर्ति आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। इलोरा के एक प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राजकूटों ने करवाया। चोल शासक राजराज प्रथम ने तंजौर में प्रसिद्ध राजराजेश्वर शैव मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे बृहदीश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। कुषाण शासकों की मुद्राओं पर शिव एवं नंदी का एक साथ अंकन प्राप्त होता है। नोट, पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल की राजधानी काठमांडू से 3 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में बागमती नदी के किनारे देवपाटन गांव में स्थित एक शिव मंदिर है। नेपाल के धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनने से पहले यह मंदिर राष्ट्रीय देवता भगवान पशुपतिनाथ का मुख्य निवास स्थान निवास माना जाता था। इस मंदिर परिसर को सन 1989 में यूनेस्को विश्व सांस्कृतिक विरासत स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया है। मुख्य मंदिर का निर्माण वास्तुकला की नेपाली पैगोडा शैली में हुआ है। वैष्णो धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी उपनिषदों से मिलती है। इसका विकास भगवत धर्म से हुआ। नारायण के पूजक मूलतः पंचरत्न कहे जाते थे। वैष्णो धर्म के प्रवर्तक कृष्ण थे, जो वृषण कबीले के थे और जिनका निवास स्थान मथुरा था। कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम छांदोग्य उपनिषद में देवकी पुत्र और अंगिरस के शिष्य के रूप में हुआ। वासुदेव कृष्ण का सबसे प्रारंभिक अभिलेखीय उल्लेख बेसनगर स्तंभ अभिलेख में पाया गया है। विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है। 10 अवतार इस प्रकार हैं: मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध एवं कल्कि। गुप्त काल में विष्णु का वराह अवतार सर्वाधिक प्रसिद्ध था। वैष्णव धर्म में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक महत्व भक्ति को दिया गया है। नोट, भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र में 6 तिलियां हैं। 6 प्रमुख संप्रदाय मत एवं आचार। प्रमुख संप्रदाय मत आचार वैष्णव संप्रदाय विशिष्टाद्वैत रामानुज, ब्रह्म संप्रदाय द्वैत मत के अनंत तीर्थ आचार्य, रुद्र संप्रदाय शुद्धाद्वैत वल्लभाचार्य, सनक संप्रदाय द्वैताद्वैत निम्बार्क। प्रमुख संप्रदाय संस्थापक एवं पुस्तक वर्करी नामदेव, श्री वैष्णव रामानुज पुस्तक ब्रह्मसूत्र, परमार्थ रामदास पुस्तक दासबोध, राम भक्त रामानंद पुस्तक अध्यात्म रामायण। नोट, अंकोरवाट का मंदिर कंबोडिया कंबोज के राजा सूर्य वर्मा द्वितीय 1113 से 1150 ईस्वी ने बनवाया था। इस मंदिर में लगभग 10.5 फीट ऊंची
भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित है। इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब थे। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में प्रमुख कुरैश कबीले में हुआ। उनके पिता अब्दुल्ला और माता अमीना थीं। उनका लालन पालन उनके चाचा अबू तालीम ने किया था। हजरत मोहम्मद साहब को 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई। 24 सितंबर 622 ईस्वी को पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा इस्लाम जगत में मुस्लिम सनवत जिसे हिजरी सनवत के नाम से भी जाना जाता है। मोहम्मद की शादी 25 वर्ष की अवस्था में खदीजा नामक विधवा के साथ हुई। मोहम्मद की पुत्री का नाम फातिमा एवं दामाद का नाम अली है। देवदूत जिब्रील ने पैगंबर मोहम्मद साहब को कुरान अरबी भाषा में संप्रेषित की। कुरान इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है। यह पवित्र ग्रंथ 114 अध्यायों में बटी हुई है। इसमें 6360 पद हैं। पैगंबर मोहम्मद साहब ने कुरान की शिक्षाओं का उपदेश दिया। हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु 8 जून 632 को हुई। इन्हें मदीना में दफनाया गया। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम सुन्नी तथा सिया नामक दो पंथों में विभाजित हो गया। सुन्नी उसे कहते हैं जो सुन्ना में विश्वास करते हैं। सुन्ना पैगंबर मोहम्मद साहब के कथनों तथा कार्यों का विवरण है। सिया अली की शिक्षाओं में विश्वास करते हैं तथा उन्हें मोहम्मद साहब का न्याय सम्मत उत्तराधिकारी मानते हैं। अली मोहम्मद साहब के दामाद थे। अली की 661 में हत्या कर दी गई। अली के पुत्र हुसैन की हत्या 680 ईस्वी में करबला जो इराक में है नामक स्थान पर कर दी गई। इन दोनों हत्या ने सिया को निश्चित रूप मत से का रूप दे दिया। पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए। इस्लाम जगत में खलीफा पद 1924 ईस्वी तक रहा। 1924 ईस्वी में इसे तुर्की के शासक मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने समाप्त कर दिया। इब्न इसाक ने सर्वप्रथम पैगंबर साहब का जीवन चरित्र लिखा। मोहम्मद साहब पैगंबर के जन्मदिन पर ईद ए मिलाद उन नबी पर्व मनाया जाता है। भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन अरबों के जरिए हुआ। 712 ईस्वी में अरबों ने सिंध जीत लिया और सबसे पहले भारत के इसी भाग में इस्लाम एक महत्वपूर्ण धर्म बना। नोट, नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुँह करके खड़े होते हैं। भारत से मक्का पश्चिम की ओर पड़ता है। मक्का की ओर की दिशा को किबला कहा जाता है। ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह हैं। वह प्रमुख ग्रंथ बाइबिल है। ईसा मसीह का जन्म जेरूसलम के निकट बैथलेम नामक स्थान पर हुआ था। ईसा के जन्म दिवस को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। ईसा मसीह के माता का नाम मेरी और पिता का नाम जोसेफ था है। ईसा ने अपने जीवन के प्रथम 30 वर्ष एक बढ़ई के रूप में बैथलेहम के निकट नाजरेथ में बिताए। ईसा मसीह के प्रथम दो शिष्य थे एंड्रूस एवं पीटर। ईसा मसीह को सूली पर रोमन गवर्नर पोंटियस ने चढ़ाया। ईसा मसीह को 33 ईस्वी में सूली पर चढ़ाया गया। ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह क्रॉस है। ईसाई त्रितत्व में विश्वास रखते हैं। वे हैं ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र, ईसा भी कहते हैं ईश्वर पवित्र आत्मा। नोट, 12वीं शताब्दी से फ्रांस में आरंभिक भवनों की तुलना में अधिक ऊंचे व हल्के चर्चों के निर्माण प्रारंभ हुए। वास्तुकला की यह शैली गोथिक नाम से जानी जाती है। इस वास्तुकलात्मक शैली के सर्वोत्कृष्ट उदाहरणों में से एक पेरिस का नाट्रेडम चर्च है। पारसी धर्म के पैगंबर जरथुष्ट ईरानी थे। इनके शिक्षाओं का संकलन जिंदा अवेस्ता नामक ग्रंथ में है जो पारसियों का धर्म धार्मिक ग्रंथ है। इनकी मूल शिक्षा का सूत्र है सद्विचार, सद्वचन, सद्कार। इसके अनुयायी एक ईश्वर अहूर को मानते हैं। इस धर्म के अनुयायियों को अग्नि पूजक भी कहा जाता है। मगध राज्य का उत्कर्ष। मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक बृहदर्थ था। इसकी राजधानी गृहवर्च राजगृह थी। जरासंध बृहदत्त का पुत्र था। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार मगध की गद्दी पर 544 ईसा पूर्व बौद्ध ग्रंथों के अनुसार में बैठा था। वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। यह प्रथम भारतीय राजा था जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हराकर अंग राज्य को मगध में मिला लिया। बिंबिसार ने राजगृह का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया। बिंबिसार ने मगध पर करीब 52 वर्षों तक शासन किया। महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने राजवैद्य जीवक को भेजा। अवंती के राजा प्रदोत जब पांडु रोग से ग्रसित थे उस समय भी बिंबिसार ने जीवक को उनकी सेवा शुश्रूषा के लिए भेजा था। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इसने कोसल नरेश प्रसेन जीत की बहन महाकोसला से, वैशाली के चेतक की पुत्री चेलना से तथा मद्र देश आधुनिक पंजाब जिस जो कहा जाता है कि राजकुमारी क्षेमा से शादी की।
बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी और वह 493 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। इसका उपनाम कुनिक था। वह प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था। अजातशत्रु ने 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया। अजातशत्रु के सुयोग मंत्री का नाम वत्सकार था। इसी की सहायता से अजातशत्रु ने वैशाली पर विजय प्राप्त की। 461 ईसा पूर्व में अपने पिता की हत्या कर उदयन मगध की गद्दी पर बैठा। उदयन ने पाटली ग्राम की स्थापना की। वह जैन धर्म का अनुयायी था। हर्यक वंश का अंतिम राजा उदयन का पुत्र नागदशक था। नागदशक को उसके अमात्य शिशु नाग ने 412 ईसा पूर्व में अपदस्थ करके मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना की। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली में स्थापित की। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशो पुनः राजधानी को पाटलिपुत्र ले गया। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्मन था। नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद था। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। यह सिकंदर का समकालीन था। इसे चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित किया और मगध पर एक नए वंश मौर्य वंश की स्थापना की। सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ। सिकंदर के पिता का नाम फिलिप था। फिलिप 359 ईसा पूर्व में मकदूनिया का शासक बना। इसकी हत्या 329 ईसा पूर्व में कर दी गई। सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। सिकंदर ने भारत विजय का अभियान 326 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया। सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर था। सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा, जिसे हाइडे स्पीच के युद्ध या झेलम या वितस्ता का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी के पश्चिमी तट पर पहुंचकर उसे पार करने से इनकार कर दिया। सिकंदर स्थल मार्ग द्वारा 325 ईसा पूर्व में भारत से लौटा। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में 33 वर्ष की अवस्था में हो गई। सिकंदर का जल सेनापति का नाम निर्याकस था। सिकंदर का प्रिय घोड़ा बहुकेफला था। इसी के नाम पर उसने झेलम नदी के तट पर बहुकेफला नामक नगर बसाया। मौर्य साम्राज्य, चलिए इसको अगले पार्ट में पढ़ते हैं। ओके।